हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, बहुत तेजी से सारे काम हुए हैं। उधर रिटिन का एकदम से रिजल्ट आना, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम ना मिलना, फिर फिजिकल एकदम से होना, फिजिकल के बाद अगले ही दिन मेडिकल का होना, और आज दोस्त मेडिकल खत्म हुए हैं और शाम में इन लोगों ने रिजल्ट दे दिया है। तो सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। 29 तारीख में शायद आप लोगों को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है दोस्त, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल परेशान भी होंगे और आप लोगों ने भी एक जबरदस्त मेहनत की है, और उस जबरदस्त मेहनत का इस तरीके से रिजल्ट मिलना, यानी कि सिलेक्शन का ना होना, वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे लिए मतलब परेशानी का कारण भी रहता है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं बस इतना ही कहूंगा कि संघर्ष ही जीवन है। अगर हम लोग पीछे हटे हैं, आज हम लोग मेरिट से बाहर हुए हैं, तो दोस्त कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। और बस यही सोच के, जैसे हम लोगों के मम्मी पापा भी बोलते हैं, हम लोगों के बड़े लोग भी बोलते हैं कि भगवान ने कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तो बस इसी चीज को मानते हुए मेरे दोस्त आप लोग आगे बढ़ेंगे। और जबरदस्त तरीके से मेरा एक कहना आप लोगों से है कि ये जरूर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हम लोगों से हुई है, कहीं ना कहीं कमी तो हम लोगों की रही है, जो आज कुछ बच्चे सिलेक्शन वाली लिस्ट में हैं और हम लोग जो हैं वो बाहर वाली लिस्ट में हैं। तो मेरे दोस्त, उन कमियों को पहचान के, उन कमियों पे काम करके, नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, किसी अन्य एग्जाम में वो गलती ना हो, उस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्त, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ढेरों बधाइयां, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अद्भुत हैं, आप उस भीड़ से अलग हटके हैं। जो फॉर्म भरने वाली भीड़ अलग थी मेरे दोस्त, और सिलेक्शन लेने वाली 7,500 लोगों की भीड़ जो है, आप उस भीड़ का हिस्सा है जो सिलेक्शन वाली लिस्ट है मेरे दोस्त। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और दूसरे लोगों को निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ये एसएससी जीडी का मौका आप लोगों के पास है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मौका आप लोगों के पास है, यूपीएसआई का मौका आप लोगों के पास है। और यकीन मानिए, जब आप लोग कहीं और सेलेक्ट हो रहे होंगे तो आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि सही हुआ जो मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो आज मुझे ये जॉब ना मिल रही होती। ठीक है भाई, चलिए। अब हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेरे साथी परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोगों ने 80 क्वेश्चन किए, और 80 क्वेश्चन, हाँ, नीरज सर के भांजे का हो चुका है ना। तो 80 क्वेश्चन किए, उसमें टोटल 88 क्वेश्चन थे। मुझे ऐसा लगा कि उसमें केवल 80 क्वेश्चन है, तो आठ क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों के जो है वो बच गए थे उसमें, तो उन 8 क्वेश्चंस को बाद में कर लेंगे, है ना। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसे कुछ चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका डर भी हम लोगों के अंदर रहता है, और एग्जाम के अंदर वेटेज की बात करूं तो वेटेज भी काफी ज्यादा उस चैप्टर का रहता है। तो मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं। तो हम लोग उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ, सबका हो जाएगा मेरे दोस्त, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, है ना। तो जिनका हुआ है उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है मायूस नहीं होना है, आपके लिए कुछ अच्छा है, आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा है, कुछ अद्भुत सोच रखा है मेरे दोस्त। मेहनती आप भी हो, तो जो मेहनती है बेटा, उन्हें कभी भगवान निराश नहीं करेगा। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आसान भी मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस बच्चे इस बुक के अंदर हैं जो आपसे किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है,
क्वेश्चन ने कहा है 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है कौन? मोहन। कितने रुपए में बेच रहा है? तो आप कहेंगे 2832 रुपए में। तो यदि उसका लाभ जो है वो 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे दोस्त, अगर लाभ 18% है तो इसका मतलब है वो वस्तु को 118% पर बेच रहा है। भाई 100% तो क्रय मूल्य होता है, 18% के लाभ का मतलब है वो वस्तु को 118 रुपए में बेच रहा है, लेकिन उसने वस्तु को बेचा कितने में है? तो आप कहेंगे 2832 रुपए में बेचा है। तो 1% की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2832 बटे 118 हो जाएगी। तो उसने वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो आपसे 100% की वैल्यू आपसे दोस्त पूछना चाह रहा है। तो यहां से काटा पीटी मचाएंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 8 2 × 2 2 × 6 = 12 2 × 5 = 10 2 × 9 = 18 59 से काटिए, 59 × 2 = 118 होता है, 59 × 2 = 18 होता है। कितना हो जाएगा भाई? ये 23 बचेगा ना, 118 और 23 236 हो जाएगा। तो 59 चौक जो होता है वो 236 होता है, 59 चौक जो होता है वो 236 होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य जो आ जाएगा वो 2400 आ जाएगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य जो आ जाएगा वो 2400 आ जाएगा दोस्त। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी है, तो जिस रेट पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिस रेट पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने 3,50,000 की कोई वस्तु खरीदी है और 4,35,000 की वस्तु बेची है तो फायदा कितने का कमाया है? इसमें से इसे घटाएंगे मेरे दोस्त, 50 और 35 85,000 का फायदा कमाया है। फायदा या नुकसान जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 85,000 का फायदा हुआ बेटा कितने पर हुआ? तो आप कहेंगे 3,50,000 पे हुआ। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग यहां से क्या कहने वाले हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे तो 170 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, 7 × 2 = 14 होते हैं, 3 बचेगा, 7 × 4 = 28 2 बचेगा, 7 × 2 = 14 यानी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 24.3 24.3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो शुरू के दो क्वेश्चन को देखकर, शुरू के दो क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि काश ये दोनों क्वेश्चन जो है हम लोगों के शिफ्ट में आए होते, लेकिन जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आप ये कहोगे, आप ये कहोगे कि भाई बड़ा खतरनाक लेवल के क्वेश्चन भी यहां से पूछे गए हैं। पूरे 75 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कैलकुलेटिव आप लोगों से पूछे गए हैं। वो किस्मत पे डिपेंड करता है, आपके लक पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कहीं आपके शिफ्ट के क्वेश्चन तो नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है मेरे साथी, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है एक टेबल फैन को 2827 रुपए 6 पैसे में बेचने पर जो प्राप्त लाभ होता है उसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। यानी कि मेरे दोस्त, जब मैं एक सामान को 2230 रुपए में बेचता हूं, 2230 रुपए में बेचता हूं तो जो मुझे हानि होती है उससे 14% लाभ तब होता है जब मैं उस सामान को 2827 रुपए 6 पैसे का बेचता हूं। तो 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यह मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग मेथड से जाओगे तो क्वेश्चन बनने वाला है कैलकुलेटिव।
बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। तो जी क्या करें, क्या छोड़ दें? छोड़ना भी नहीं है और टाइम भी नहीं लगाना है। तो मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास जो है वो सीपी निकल के आ चुका है, मेरे पास सीपी निकल के आ चुका है, किसी भी तरीके से मैंने सीपी निकाल लिया। अब उसने कहा है 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि मैं कॉस्ट प्राइस के 114% पर सामान को बेचने की बात कर रहा हूं। भाई 14% के लाभ पर बेचने का मतलब होता है सामान को 114% पर बेचना, यानी कि क्रय मूल्य का 114% अगर आप लोगों ने निकाल दिया तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जहां व्यक्ति को 14% लाभ होगा। तो मेरे दोस्त जब आपने काटा तो आपने ये पाया कि 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 होते हैं, 2 × 5 = 10 जीरो हो जाएगा, यानी 57 जो होता है वो 3 और 19 का मल्टीपल होता है, होता है या नहीं? 3 और 19 का मल्टीपल होता है क्या? 57। यानी आंसर जो भी आएगा, आंसर जो भी आएगा, या तो वो 3 का गुणज होगा और वो 19 का भी गुणज होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और 4 = 9 और 3 = 12, 3 का गुणज है, 9 और 8 = 17, 17 × 2 = 19, 3 का गुणज नहीं है, 8 × 2 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 2 = 18, 18 × 6 = 24, 3 का गुणज है, 8 × 2 = 10, 4 × 14 = 14, 4 × 18 = 5, 23, 3 का गुणज नहीं है। अब मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अभी मुझे 19 का मल्टीपल देखना है, 19 × 1 = 19, 11 बचेंगे, 114 हो गया, 19 × 6 = 114, ये डिवाइड होगा ही नहीं। लेकिन यहां देखो बच्चा, 19 × 1 = 19 होगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा, 96, 19 × 5 = 95 होता है, 95 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, 102 हो गया, 19 × 5 = 95, 7, 19 × 4 = 76, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है मेरे साथी जो 3 और 19 दोनों से कट रहा है, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 और 19 दोनों से कट रहा है। तो भाई साहब मैं ऐसे एक घंटे के पेपर में मैं ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाऊंगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो यही है। लेकिन आप कहोगे जी मेथड बता दो, तो मेथड बेटा समझाने लगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना? समझना चाहोगे? समझा देते हैं भाई, मन करे तो कर लेना, नहीं तो इतने मौज मस्ती कर लो। एक बार सामान को बेचा जाता है 2827.06 रुपए में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, कुछ लाभ होता है, यानी यहां लाभ होता है, तो इससे कम कहीं क्रय मूल्य रहा होगा। जब सामान को 2230 रुपए में बेचा जाता है तो हानि होती है, तो इससे ज्यादा कहीं क्रय मूल्य रहा होगा। उसने कहा है हानि जितनी होती है, मान लो मैंने 100x की हानि मान ली, तो इससे 14% ज्यादा लाभ होता है, तो 114x का लाभ होता होगा। क्वेश्चन ने यही कहा है इतने रुपए में बेचने की तुलना में 14% ज्यादा लाभ होता है, तो अगर यहां 100x की हानि होती है तो यहां 114x का लाभ होता है। बच्चा अब क्या करेंगे, अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य आएगा। इसका मतलब आप डायरेक्टली एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए मेरे दोस्त। तो आपने कहा जी इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा। अब मेरे दोस्त आप क्या करिए, इन दोनों के योग के बराबर लिख दीजिए, 100x और 114x 214x हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो है इन दोनों के योग के बराबर लिख दीजिए, है ना भाई? तो यहां से 214 गुणा में है, इधर आके 214 भाग में हो जाएगा। क्या x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? उस x की वैल्यू को यहां रखेंगे तो क्या आपके पास हानि आ जाएगी? उस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्या क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा? और क्रय मूल्य का 114% निकाल देंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या करने की जरूरत है मेथड से? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करना है। या तो क्वेश्चन को छोड़ देना, स्किप कर देना, या फिर क्वेश्चन पे बेटा डिविजिबिलिटी का रूल लगा देना कि जो भी ऑप्शन 3 और 19 से डिवाइड होगा वही मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है भैया, क्वेश्चन नंबर चार बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है बच्चे, हाँ, एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का प्रयोग करता है। बच्चे ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन, मतलब आपसे एसएससी जीडी पूछती है, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन कहलाता है। जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, आप दो चीजें लिखना, सीपी और एसपी। उसने कहा है 12% के लाभ पर बेचता है, तो 12% की फ्रैक्शन बना लेना, तो आप पाओगे 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, यानी 25 के सामान को 3 के फायदे से 28 का बेचा होगा, इस बात में कोई समस्या नहीं है। वास्तविक वजन से 15% कम वजन उपयोग करता है, यहां वास्तविक वजन लिखा जाता है हमेशा एसपी में, और इससे 15% कम वजन प्रयोग करता है, तो जब मैं इसका 15% निकालूंगा तो 150 ग्राम कम वजन प्रयोग करता है, तो मतलब कि वो 850 ग्राम वजन देता है, 850 ग्राम वजन देता है। सबसे पहले ध्यान से समझिए, 12% के लाभ का मतलब होता है 25 के सामान को 3 के फायदे से 28 का बेच देना, 15% कम वजन का प्रयोग करता है, इस बात का मतलब होता है 1000 की जगह 850 ग्राम वजन देना। ये बात क्लियर हो गई, बहुत शानदार भाई। अब आप यहां से समझिए चीजों को, अब आप क्रॉस में कोई चीज कट रही है तो काट दीजिए, आपने कहा ये कट गई, 25 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर मैं यहां से कहूं भैया ये 85 का सामान था, बेचा कितने में है, तो 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 112 में बेच दिया है, 85 के सामान को 112 का बेच दिया, तो फायदा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 27 रुपए का जी फायदा हो गया। ये फायदा किस पर हुआ है, तो आप कहेंगे 85 पर हुआ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो यहां से आप लोग निकाल लीजिए, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 17 बार कटेगा, यानी कि 27 × 540/17, 17 × 51 होते हैं 3 बचेगा, 17 × 1 = 17 होते हैं, कितना 13 बचेगा 130, 17 × 7 = 119 होते हैं, तो 31.7 करके क्वेश्चन का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आएगा, यहां सीपी यहां एसपी, 25 के सामान को 3 के फायदे से 28 का, ओरिजिनल मात्रा यहां लिखी जाएगी, 15% कम है तो वो यहां लिखी जाएगी, ठीक है भाई। तो बहुत शानदार, जब तो 85/112 लिया है, बहुत शानदार भाई। आगे बढ़ते हैं, वैसे भी समझ लीजिए 15% कम का मतलब होता है 100 में से 15 गया 85 बचेगा, और 12% लाभ का मतलब होता है 100 की चीज 112 में बेच दी, डायरेक्टली रेशियो भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये रटन विद्या नहीं, आप इस मेथड से करिए, आंसर आपके सामने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है बच्चा, ये एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से ये मॉक टेस्ट में भी आपसे किसी में पूछा गया था, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है इसे छोड़ देना, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है इसे छोड़ देना, बाकी अप्रोक्सीमेशन से इसे कराने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना। एक व्यक्ति 475 रुपए प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है, यानी पहली कुर्सी भी 475 की, दूसरी कुर्सी भी 475 की, ठीक है, जिससे 1 पर 25% का लाभ होता है। 25% के लाभ का मतलब क्या होता है, क्या कोई मुझे बताएगा 25% के लाभ का मतलब, तो आप कहेंगे जी 4 का सामान 5 में बेच दोगे तो 25% का लाभ हो जाएगा। दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो दूसरे पर 20% की हानि का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 5 के सामान को 4 का बेचना। क्या दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान दे रखे हैं, प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है, दोनों को 475 की बेचता है, तो क्या यह दोनों के विक्रय मूल्य समान है, आप कहेंगे नहीं, तो समान कर दो, यहां 4 की गुणा यहां 5 की गुणा, यहां 4 की गुणा यहां 5 की गुणा, यानी कि अगर आपने प्रत्येक माल 20 रुपए का खरीदा है, प्रत्येक माल 20 रुपए का बेचा है, तो ये आपने 16 का खरीदा होगा, ये 25 का टोटल मिला के 41 का माल खरीदा होगा, भाई 25 और 16 कितने 41 हो जाएगा,
उसने कहा है प्रत्येक जो बेचते हैं आप 475 रुपए का बेचते हैं, मेरे हिसाब से कितने का बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 20 रुपए का। उसने कितने का कहा है, 475 का बेचते हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 475 बटे 20 आ जाएगी। तो मेरे दोस्त 41 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ 41 पार्ट की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है। अब आप एक बात बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां से अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा बन जाएगा, इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी। अब मेरी तरह थोड़ा सा सोचना, मैं इस 41 की जगह थोड़ा 40 मान लेता हूं, थोड़ा सा सोचना बच्चे, मैं इस 41 की जगह 40 मान लेता हूं, क्या मैंने वैल्यू कम मानी है, यानी जब मैं इससे काटूंगा तो 20 दुनी 40 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया, यानी 475 की गुणा 9 में 2 में करूंगा तो 400 दुनी 800 950 आ जाएगा। एक्चुअल में आता तो ये 950 से ज्यादा, क्योंकि यहां 40 से ज्यादा था 41 था, तो ये दो बार ना कट के 2 पॉइंट कुछ बार कटता, तो 475 की गुणा 2 पॉइंट कुछ में करता, तो आंसर यहां 950 से ज्यादा आता, आंसर यहां 950 से ज्यादा आता, लेकिन क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मैं 950 ही मान लेता हूं। इसका मतलब मैंने मान लिया कि 950 रुपए में मैंने दोनों वस्तुओं को खरीदा। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है यदि उसने 575 रुपए प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता, भाई 575 की एक बेचेगा तो दोनों कुर्सियां कितने की, 5 दुनी 10 और 150 1150 की बेचेगा, 1150 की बेचेगा, तो वो आपसे निकटतम लाभ प्रतिशत पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 950 से ज्यादा आता, तो अगर मैं 950 के हिसाब से लेके चलूं तो मेरे दोस्त कितने का लाभ कमाया, 200 का लाभ कमाया, कितने पर लाभ कमाया, 950 पर लाभ कमाया, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो यहां से आपने देखा 5 से काटा 40 बार, 5 से काटा 19 बार, 400 बटे 19 आ गया, 19 से कम 19 होता है, 19 दूनी 38 होता है, 2 बचेगा 19 से कम 19, यानी कि 21% आ रहा है। 21% तब आता जब यहां 950 ले रहे हो, अगर यहां एक्चुअल में 950 से ज्यादा है तो यहां भी 950 से ज्यादा आएगा, और 950 से ज्यादा आएगा तो आंसर 21% से कम आएगा, आंसर 21% से कम आएगा। आंसर 21% से कम कौन सा है मेरे दोस्त, एक ही ऑप्शन है 18% लाभ, एक ही ऑप्शन है 18% लाभ। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड था, ये इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड था। बाकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के करना चाहते हो तो उलझते रहना, उलझते रहना, ये इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड था मेरे दोस्त। अगर 950 लेके भी क्वेश्चन को करते हो तो 21 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, अगर यहां वास्तव में 950 से ज्यादा है तो आंसर 21 से कम ही होगा, और 21 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। भाई 575 की एक वस्तु है ना, तो दो वस्तुएं बेची हैं तो दोनों वस्तुएं 1150 की बेची होंगी, तो 950 की चीज 1150 में बेच दी, मेरे दोस्त फायदा कितना 200 का, 950 पर तो 100 पर कितना, 21 पॉइंट आंसर तब आ रहा है जब यहां 950 ले रहे हो, पर आपको पता है 950 से ज्यादा होगा, 950 से ज्यादा होगा, 950 से ज्यादा होगा, तो मेरे दोस्त ये 21 से कम ही आंसर आएगा, और 21 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। मर्जी आपकी है, डिसाइड आपको करना है, करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया ऐसे चले जाना, नहीं करना चाहते हो, एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हो तो खुद घर बैठ के बेटा कैलकुलेशन सॉल्व करना फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा 80 के बाद के परसेंटेज के क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, इस चैप्टर के लास्ट में करा दूंगा, है ना। मुझे नहीं पता था, मैंने 80 क्वेश्चन ही सोचा था, मुझे नहीं पता था, नहीं तो उस दिन तो हम वैसे भी फ्री हो गए थे 30-35-40 मिनट में ही, ठीक है। क्या कहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनिएगा।
एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आ चुका है, 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है बताएंगे थोड़ा। तो आप कहेंगे 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, यानी वो व्यक्ति कहता है, व्यापारी कहता है 25 के सामान को 4 के घाटे से 21 का बेच दूंगा, यही तो कहता है। आगे बढ़िए, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर, मतलब देना कितना चाहिए था 1 किलोग्राम वजन यानी 1000 ग्राम, उसकी जगह तोलता कितना है 750 ग्राम तोलता है। भाई साहब घोटालेबाज है, 25 × 3 = 75 होगा, 25 × 4 = 100 होगा, 3 से काटोगे 7 बार कट जाएगा, यानी कि 25 रुपए का सामान है कितने का बेच दिया होगा, तो आप कहेंगे 28 रुपए का बेच दिया होगा। 25 का सामान है 28 रुपए में बेच दिया होगा, फायदा कितने का 3 का, कितने पर क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं 12% का लाभ होगा, आप लोग कहने वाले हैं 12% का लाभ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए मेरे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है, 135 रुपए में खरीदता है तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और उसे 150 रुपए में बेच देता है। बेटा ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 15 रुपए लाभ कमाएगा, लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। बच्चे आप लोग जानते हैं 15 × 135 होते हैं, और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 11 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D है ना, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, एक रुपए में बेटा 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। जब भी आपसे मात्रा के बारे में पूछा जाए तो मूल्य का रेशियो निकाल लो। तो अगर उसने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा है तो 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो क्या 125 का बेचना होगा, यानी कि मूल्य का जो रेशियो आएगा वो 4-5 निकल के आएगा। तो मेरे दोस्त मात्रा का रेशियो कितना आ जाएगा, जस्ट उल्टा होता है, यानी कि अगर उसने 5 मात्रा खरीदी है तो उससे 4 बिचवा दो। उसने मात्रा कितनी खरीदी है, उसने 20 बटन खरीदे हैं, तो 5 की वैल्यू 20 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 16 बटन जो है उससे बिचवा दो, उसे 25% का लाभ हो जाएगा। बस यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि मूल्य का जो रेशो होता है, प्राइस का जो रेशो होता है, जस्ट उसका अपोजिट जो होता है वो कंजप्शन का रेशो होता है या फिर क्वांटिटी का रेशो होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 भाई ये फालतू की बकवास नहीं करेगा कोई भी हो, चाहे मनीष पटेल या कोई भी हो, मेरे दोस्त कोई भी फालतू की बकवास नहीं करेगा क्लास में, अगर पढ़ना है तो। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो निराश होंगे, लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं कमी तो रही है, ये है सच्चाई, कहीं ना कहीं हम में कमी रही है जो आज हम सिलेक्शन वाली लिस्ट से बाहर हैं। तो मेरे दोस्त उस लिस्ट से, अगर उस लिस्ट के अंदर रहना चाहते हो तो मन लगा के पढ़ना होगा, मन से मेहनत करनी होगी, ये फालतू की बकवास जो है वो क्लास के अंदर मत करो। ठीक है, चलिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक कुर्सी जो है वो 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1100 रुपए में बेची जाती है। बेटा बताओ ना थोड़ा सा, 800 रुपए में खरीदी गई, 1100 रुपए में बेची गई, तो क्रय मूल्य और एसपी का रेशो क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी 2 जीरो से 2 जीरो, 8 की चीज 11 में बेच दी, फायदा 3 का, कितने पर फायदा 8 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 से काटो 25 बार, 4 से काटे 2 बार, 25 × 3 = 75/2 का मतलब होता है 37.5%, क्या होता है 37.5% होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहना चाहता है,
एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक करेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है अरुण ने संचित को 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा। अच्छा, अरुण ने खरीदा है मेरे दोस्त, किससे खरीदा है? संचित से खरीदा है। कितने का खरीदा है? 1,12,500 रुपए का खरीदा है। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ प्राप्त किया था। अच्छा एक बात बताइए, अगर संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ प्राप्त किया था तो क्या संचित ने 125% पर बेचा होगा? अच्छा यहां दिखा कितना रहा है, संचित से खरीदा है तो संचित ने बेचा कितने का है? 1,12,500 का बेचा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1,12,500 बटे 125 हो जाएगा। तो संचित ने कितने का खरीदा होगा ये प्राइस यहां से निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 5 नाम 45, 2 जीरो, यानी संचित ने जो वो लैपटॉप खरीदा होगा उसकी कीमत 90,000 रुपए रही होगी। ठीक है, आगे आइए। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। किसने बेचा था? रमन ने। किसको? संचित को। कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर। यानी रमन ने जो लैपटॉप बेचा था वो 120% पर बेचा था। तो संचित खरीद कितने में रहा है? 90,000 में। तो क्या ये वैल्यू जो है ये 120% की वैल्यू है? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे 90,000 बटे 120 हो जाएगी। तो उसने आपसे पूछा है लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया था, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 पंजे 10 होगा, 2 छक्का 12 होगा, 6 से काटेंगे 15 बार, 15,000 की गुणा 5 में करेंगे तो 75,000 हो जाएगा। यानी शुरुआत में जो रमन ने लैपटॉप खरीदा है वो 75,000 रुपए का खरीदा है। ये बात समझ में आ गई। मैं इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता था अगर क्वेश्चन को आप पीछे से सॉल्व करना शुरू करते। मान लो रमन ने R रुपए का लैपटॉप खरीदा, इसने 20% के लाभ पर संचित को बेच दिया, तो क्या इसने 120% पर बेच दिया होगा? अब संचित ने क्या किया, संचित ने अरुण को बेच दिया कितने परसेंट के लाभ पर? 25% के लाभ पर, तो 125% पर बेच दिया होगा। अरुण ने कितने का खरीदा है? 1,12,500 का खरीदा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा, 4 तिया 12 होगा, 15 भाग में है इधर आके गुणा में हो जाएगा, 10 भाग में है इधर आके गुणा में हो जाएगा, 15 गुणा में है भाग में हो गया, 10 गुणा भाग में है गुणा में हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिया 15 होगा, 3 तिया 9 होगा, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 होगा, 3 पंजे 15, 37,500 की गुणा 2 में करोगे तो 75,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो ये सिंगल स्टेप वाला मेथड है, ये सिंगल स्टेप वाला मेथड है, आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड का टाइम देंगे, मैं आपको थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा एक्टिव कर देता हूं, अभी सारी चीजें बनवा देता हूं। हाँ, 1 सेकंड का टाइम देंगे। चलिए भाई, तो ये पहला मेथड था, ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, ये जो है आप लोगों के सामने रेशो मेथड भी इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है बताइए।
ये एसएससी जीडी में आप लोगों से पूछा है 11 जनवरी 2023 में आप लोगों से पूछना चाह रहा है। एक दुकानदार जो है वो 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो बताइए कि अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। बेटा दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में होता क्या है वो मुझे बताइए। तो आपने कहा लाभ होता है, लाभ का फॉर्मूला जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा लाभ कितनी टॉफी का होता है, 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है, 11 टॉफी के 55 टॉफी बेचकर अंश ए प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफी के बराबर लाभ होता है। 11 टॉफी के बेटा यहां कुछ दिया नहीं है क्या, 11 टॉफी के विक्रय मूल्य क्या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहां कुछ मिसिंग है, यहां कुछ जो है वो मिसिंग है। 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहां कुछ मिसिंग है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप चाहे विक्रय मूल्य मान लीजिए चाहे क्रय मूल्य, मैंने मान लिया कि 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 11 एसपी के बराबर लाभ होता है। कितनी टॉफी बेचकर 55 एसपी, कितनी टॉफी खरीदी होंगी 55 सीपी, ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 55 सीपी इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ओ पे माइनस में, इधर आके प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में, 55 में से 11 जाएगा तो 44 एसपी बचेगा। अब आप ये देखिए एसपी गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी, ये 55 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 से काटेंगे 11 बार, ओ 11 से काटेंगे 4 बार और 11 से काटेंगे 5 बार, यानी कि मेरे दोस्त 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी होगी और 5 रुपए की वस्तु बेची होगी, तो फायदा कितने का, 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे जी 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। बच्चे आप लोग ना यहां कर लीजिए 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहां विक्रय मूल्य जरूर मेंशन कर लेना, विक्रय मूल्य आप लोग जरूर मेंशन कर लेना यहां पे। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसमें से इसे घटाइए, 55 में से 11 गया तो कितना बचा, 44 बचा, तो सीपी जो आ जाएगा वो 44 आ जाएगा, कितना आएगा 44 आएगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो 11 है, सीपी कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 11 है, मतलब 11 रुपए का लाभ हुआ किस पर, तो आप कहेंगे सीपी पर यानी 44 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप यहां से कहने वाले हैं कि 25% का लाभ हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, 55 में से 11 घटाएंगे तो ये आपके पास सीपी आ जाएगा मेरे दोस्त, और प्रॉफिट कितना दिया है 11 रुपए का दिया है, तो 11 रुपए का लाभ होता है कितने पर, सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा यानी 25% हो जाएगा। बाकी इसको आप लोग, इसको आप लोग अगर मेथड से समझना चाहते हो तो मेरे दोस्त आप लोग इसे इस मेथड से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे क्या हो जाएगा। देखो एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। बेटा खरीदा कितने में गया है, 750 रुपए में, अगर 8% की घाटा होता है तो क्या 92% पर बेचा जाता होगा, अगर 8% के घाटे पर बेचा जाता है तो क्या सामान को 92% पर बेचा जाता होगा। तो मेरे दोस्त ऐसे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे भी वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 से काटोगे 15 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 46 बार, 15 चिक्का 90 को 0 हासिल 9, 15 चौका 60 और 9 69 हो जाएगा 690, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा,
ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है, अगर खरीदती है तो यह क्रय मूल्य हो जाएगा, कितना दिया है 950 रुपए, ठीक है। हाँ, उसने कहा है 1150 रुपए में बेचती है तो बेचने का मूल्य क्या दिया है 1150। तो सबसे पहले मेरे दोस्त रेशो निकालिए, 5 से काटोगे 19 बार, 5 से काटोगे 23 बार। अगर 19 का सामान 23 का बेचा जा रहा है तो 4 रुपए का लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 400 बटे 19 हो जाएगा। मेरे दोस्त इसे सॉल्व कर लो, 19 दूनी 38 होते हैं, 2 बचेगा 19 एकम 19, लगभग 21% हो जाएगा, लगभग 21% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट बताएंगे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मजे लेने के लिए भी आए हैं, बस अपना बातचीत में लगे हुए हैं, स्टूडियो पे भी शायद लोग खाना खा रहे हैं, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार गलत वजन का क्वेश्चन आ गया है, तो सीपी लिखिए, एसपी लिखिए, उपयोग करते हुए वस्तु पर को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब 100 रुपए की खरीदी है तो 100 रुपए की ही बेचने का दावा करता है। आगे बढ़ते हैं, 25% का लाभ प्राप्त करता है। 25% के लाभ का मतलब क्या है, 25% के लाभ का मतलब है कि 4 के सामान को 5 का बेचता होगा, तभी तो 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो उसने कहा 1000 ग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है, यानी कि देना तो चाहिए उसे 1000 ग्राम, लेकिन वो अपनी तरफ से देता कितना है, तो 5 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू 800 हो जाएगी, यानी 800 ग्राम वजन देता होगा 1000 की जगह। बेटा जितना देता है वो सीपी के अंदर लिखा जाएगा, जितना देना चाहिए वो एसपी के अंदर लिखा जाएगा, ये मैं पहले से बात बताता आ रहा हूं। तो मेरे दोस्त 1000 की जगह 800 ग्राम वजन देता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12000 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदा, 12000 रुपए में खरीदा। आगे बढ़ते हैं, 1000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए मेरे दोस्त, अब उसके लिए वो फ्रिज कितने का पड़ गया, तो आप कहेंगे 13000 रुपए का पड़ गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, यदि वह रेफ्रिजरेटर 15000 रुपए में बेचता है, 13000 रुपए के सामान को 15000 का बेच दिया, तो फायदा कितने का, तो आप कहेंगे 2000 का। अच्छा फायदा होता किस पर है, तो आप कहेंगे जी क्रय मूल्य पर, बताने वाली बात ही नहीं है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, क्या लाभ प्रतिशत आपके सामने हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 13 एकम 13 होगा, 7 बचेगा, 13 पंजे 65, 5 बचेगा, तो 15 सही 5 बटे 13% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है, सुमन जो है वो 40 किलो गेहूं को 12.5 के हिसाब की दर से और 30 किलो गेहूं को 14 रुपए के हिसाब से खरीदती है। देख लो भाई, 40 किलो गेहूं 12.5 के हिसाब से,
तो कितने के आ गए होंगे मेरे दोस्त, पॉइंट हट जाएगा, जीरो है, तो 125 चौका 500 रुपए के तो ये गेहूं खरीद लिए, ठीक है। 30 किलो गेहूं 14 रुपए के हिसाब से, 30 किलो गेहूं 14 रुपए के हिसाब से 420 रुपए का ये सामान खरीद लिया, यानी टोटल माल जो है वो 920 रुपए का खरीद लिया है। आगे आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करना है। अगर पूरे मिश्रण पर 5% लाभ प्राप्त करना है तो क्या इसे 105% पर बेचना होगा? क्या पूरे मिश्रण को 105% पर बेचना होगा? क्योंकि 5% लाभ लेके आना है। 5% लाभ का मतलब होता है कि क्रय मूल्य को 105% पर बेच देना। बच्चे ये पूरे का विक्रय मूल्य आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन ने कहा है उसे प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना चाहिए, यानी ये क्वांटिटी हम लोगों ने 70 किलो खरीदी थी, 70 किलो का रेट ये है, तो 1 किलो का रेट कितना हो जाएगा, इसे 70 से डिवाइड कर दो, बस इसे अब सॉल्व कर लो। ये तो आप लोगों के पास पूरी क्वांटिटी का क्रय मूल्य आया था, तो इसे 5% लाभ पर बेचा है, इसलिए मैंने 105% पर बेचा है। ये 70 किलो चावल का विक्रय मूल्य आया था जो कि 5% लाभ वाला विक्रय मूल्य था, लेकिन मुझे 1 किलो का चाहिए तो मुझे 70 से डिवाइड करना होगा। जीरो से जीरो कट गई, 7 × 7, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 15 × 2 = 30 को जीरो हासिल, 3 × 15 = 135 और 3 × 138 हो जाएगा। नीचे क्या है, 100 दिया हुआ है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 13.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूं, मान लो कोई सामान का क्रय मूल्य आपके पास 900 आया है, है ना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया इस पर मुझे 10% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा? तो आप कहोगे जी इसका 110% निकाल दो, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा जब 10% का लाभ होगा। मेरे पास क्रय मूल्य आया है 900, मैंने कहा 20% की हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका 80% निकाल दो, तो आप कहेंगे ये 20% की हानि वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त मेरी बात को समझिए, 40 किलो गेहूं उसने 12.5 के हिसाब से खरीदा है, 40 किलो गेहूं 12.5 के हिसाब से 500 का आ गया होगा, ठीक है। 30 किलो गेहूं 14 के हिसाब से 420 का आ गया होगा, यानी टोटल माल 920 का आया है। अब इस पर वो 5% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या इसे 105% पर बेचना चाहता है? ये कंप्लीट का विक्रय मूल्य आ चुका है मेरे दोस्त, उसने 1 किलो का रेट पूछा है, टोटल मात्रा 70 किलो का रेट ये है, तो 1 किलो का कितना होगा, 70 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है, तो 12% कम वजन का मतलब है 1000 ग्राम देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था, 12% निकालेंगे, 120 ग्राम कम देता है, तो 880 ग्राम केवल वजन देता है, ठीक है भाई। 1000 ग्राम देना चाहिए था, 12% कम वजन का उपयोग करके करता है, तो 880 ग्राम वजन देता है, ठीक है भाई। और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो 132 रुपए का उसे बेच रहा होता है, 32% का लाभ हो जाएगा। तो उसने कहा है भाई साहब कुल लाभ प्रतिशत बता दीजिए कितना होगा। अब बच्चे आप लोग रेशो निकाल लो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां ये 88 हो जाएगा, यहां ये 132 हो जाएगा, 44 × 88 होता है, 44 × 3 = 132 होता है, यानी 2 के सामान को 3 का बेच दिया, फायदा कितने का, 1 रुपए का, कितने पर बेटा, सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे जी 50% का लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में लाभ कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में जो लाभ का प्रतिशत होगा वो 50% मेरे दोस्त लाभ का प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन अभी मैं करा के आया हूं, एक बार
एक बार आप लोग बता दो कि इसका जवाब क्या होगा। आप लोग बता दो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अगर मैं 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता हूं, तो क्या 4 के सामान को 5 का बेचना चाहता हूं तभी 25% का लाभ होगा। तो 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या होगा। यानी देना तो 1000 ग्राम है, देना तो 1 किलो है मेरे दोस्त, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 200 आएगी, लेकिन वो बेईमान दुकानदार देगा कितना 1 किलो की जगह, तो आप कहेंगे 800 ग्राम देगा। वो देगा कितना, तो आप कहेंगे 800 ग्राम दे देगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। बेटा यहां लिखिए मूल्य, जब भी मूल्य और मात्रा दोनों समान दिए हुए हो दोनों को लिखिए। 10 रुपए में कितनी वस्तुएं, 15 वस्तुएं, और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है, 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। ये सीपी है, ये एसपी आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे दोस्त आप लोग समझिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस मेथड लगा रहे होते हैं, ये सीपी आ जाएगा और 15 की गुणा 15 में करेंगे, ये एसपी आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? यानी कि 100 के सामान को 225 का बेचा तो क्या 125 का फायदा हो जाएगा? मैं पूछूं किस पर होगा तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 125% का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। बेटा समान मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी, पहली को मैंने 100 रुपए का खरीदा, दूसरी को भी मैंने 100 रुपए का खरीदा, दोनों समान मूल्य पर खरीद ली। एक को 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर मतलब 110 का बेचा होगा, और दूसरी को 5% की हानि पर यानी 95 का बेच दिया होगा। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, मेरे हिसाब से दोनों के बीच का अंतर 15 दिया हुआ है, उसने दोनों के बीच का अंतर 60 दिया हुआ है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ जाएगी, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग कितना है, तो वो आपसे 200 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई दोनों का योग 200 है तो वो आपसे 200 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 1 बराबर 4 तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 800 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। गुरुजी आज कितने क्वेश्चन कराओगे बताओ, कितने कराएं, कितने कराएं बताओ। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपए में कुछ सामान खरीदा, मुझे नहीं पता कितना सामान खरीदा है, उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। 1/3 भाग को 15% की हानि, हानि मतलब वो माइनस लगा दिया, तो क्या आप कह सकते हैं 1/3 सौदे पर जो मुझे हानि हुई वो 5% की हानि हुई। शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए, जब 1/3 बेच चुका है तो 2/3 बचा, इसे कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाए जिससे पूरे लेन देन, पूरा लेन देन 1 था, उस पर 15% का लाभ हो जाए, यानी यहां टोटल जुड़ के 15% आना चाहिए।
अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां माइनस पांच आ चुका है, यहां क्या आ जाए कि दोनों जुड़ के 15 आ जाए? तो आप कहेंगे जी यहां 20 आना चाहिए, तभी तो माइनस पांच और 20 जुड़ के पूरा 15 आएगा, यानी कि यहां जो है वो 20 आना चाहिए। तो बेटा ये पूछ रहा है इतने सामान को कितने लाभ प्रतिशत पे बेचा जाना चाहिए, तो वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये तीन भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, ये दो गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप कहेंगे शेष वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, शेष वस्तुओं को 30% के लाभ पर अगर आप बेचोगे तो टोटल सौदे पर जो होगा, टोटल सौदे पर जो होगा वो 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। अब आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने यह कहा है मेरे दोस्त मेरे साथी। हां हां कुछ बच्चे कह रहे हैं जी मेरिट हाई बता दी थी और हम फिजिकल देने नहीं गए थे। तो मेरे दोस्त अगर आप 2020 का रिजल्ट देखते हैं तो 2020 के रिजल्ट में कम से कम 9-10 नंबर मेरिट बढ़ी है, 8-9 नंबर मेरिट बढ़ी है। तो अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में भी बच्चे आप लोग देखेंगे कि फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे थे बच्चों ने, पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉर्म थे मेरे दोस्त। डिपार्टमेंट भी वही करा रहा था, पिछली बार भी एसएससी नहीं कराया था, इस बार भी एसएससी ही करा रहा है। तो हम लोग भी एनालिसिस करने के बाद, पिछली मेरिटों को देखते हुए एनालिसिस करने के बाद तब इस बार की मेरिट हम लोग बता रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वो मेरिट बताई थी, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फिजिकल में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है, वहां बहुत सारे लोग निकले हैं, तो मेरिट ना बढ़ने का कारण है इन्होंने इस बार फिजिकल में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, बिल्कुल भी मेडिकल में टाइम नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरिट तो बढ़नी ही नहीं थी, ये चीज पता थोड़ी ना थी पहले कि ये इतना कम टाइम जो है वो फिजिकल में भी देंगे, इतना कम टाइम जो है वो मेडिकल में भी देंगे। बताइए आप लोग, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके सामने है। क्वेश्चन ने कहा है चार कुर्सियों का मूल्य दो मेजों के बराबर के बराबर है, चार कुर्सियों का मूल्य जो है वो दो मेजों के बराबर है। बहुत बढ़िया, चार मेजों की जो लागत है वो दो बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और चार बोर्डों का जो क्रय मूल्य है वो दो पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत अच्छे, यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य, मतलब एक पंखे की कीमत 850 है तो दो पंखों की कीमत कितनी हो जाएगी, 1700 हो जाएगी। दो पंखों की कीमत कितनी हो जाएगी, 1700 हो जाएगी। अब एक बात समझाइए, चार बोर्डों की कीमत 1700 है तो दो बोर्डों की कीमत क्या इसकी आधी 850 हो जाएगी। बहुत शानदार भाई, यानी कि चार मेजों की कीमत 850 है तो दो मेजों की कीमत कितनी हो जाएगी, 425 हो जाएगी या नहीं, यानी कि चार कुर्सियों का मूल्य जो है वो 425 आ चुका है, चार कुर्सियों का मूल्य जो है वो 425 आप लोगों के सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है एक कुर्सी का मूल्य बताइए, तो मेरे दोस्त ये चार गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 106.25 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक पंखे की कीमत 850 तो दो पंखों की कीमत 1700, यानी चार बोर्ड 1700 के हैं तो दो बोर्ड कितने के हो जाएंगे, आधे के 850 के, यानी कि चार मेजे जो हैं वो 850 की हैं तो दो मेजे कितने की हो जाएंगे, आधे की, यानी 425 के। चार कुर्सियों का मूल्य 425 तो एक कुर्सी का मूल्य कितना, 106.25 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर तेईस क्या कहना चाह रहा है बताइए फटाफट। 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, मतलब 15,000 का सामान बेचा
15,000 का सामान रामू ने बेचा और 3,000 का लाभ हुआ, तो बेटा खरीदा कितने में होगा? 12,000 रुपए में खरीदा होगा। भाई 15,000 का अगर कोई सामान बेचा है और 3,000 का लाभ हुआ है तो लाभ तो इसमें जुड़ा होता है। अगर 15,000 में 3,000 लाभ के जुड़े हुए हैं तो खरीदा गया कितने में होगा? तो आप कहेंगे 12,000 रुपए में खरीदा गया होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त लाभ जो होगा वो 3,000 का है। वो लाभ किस पर हुआ है? तो आप कहेंगे 12,000 पे हुआ है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं कहूंगा भैया ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए मेरे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्त? एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पे 240 रुपए खर्च होते हैं। तो भाई ये भी तो खरीदने में पैसा चला गया, टोटल कितने की पड़गी? जीरो। टोटल कितने की पड़गी? दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 10 को 0, हासिल 1 3 2 5 और 1 6। क्या ये वस्तु 14,600 की पड़ चुकी है? बहुत शानदार। अब उसने कहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए। मैं दोस्त अभी बता के आया हूं, अगर आप किसी सामान पे 15% का लाभ चाहते हैं तो आप उसके क्रय मूल्य को 115% पर ले जाना चाहते हैं। 15% के लाभ का मतलब होता है कि आप उसके क्रय मूल्य को 115% पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे बात को थोड़ा सा समझिए मेरे साथी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आप लोग इसका बता दीजिए, 23 पंजे 115 होते हैं, तो आंसर जो है या तो आप गुणा कर लीजिए, 6 पंजे 30, 140 की गुणा 115 में ये क्या आएगा? 2 7 14 2 3 6 73 का और 2 23 का मल्टीपल होना चाहिए, 23 का मल्टीपल। तो इतने मल्टीप्लाई करके देखोगे, मल्टीपल देखोगे इतने तो गुणा ही कर लोगे। तो मेरे दोस्त 140 की गुणा 115 में कर दीजिए, कितना आएगा वो आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, यानी देना कितना चाहिए था 250 ग्राम लेकिन देता कितना है 200 ग्राम। जो देता है वो सीपी में लिखा जाएगा, जितना देना चाहिए था वो एसपी में लिखा जाएगा। यानी कि 4 की चीज 5 में बेच रहा है तो फायदा कितने का? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 30 क्वेश्चन करेंगे भाई, बस है ना, 30 क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपए प्रत्येक में बेची, यानी दोनों बाइकों को सेम रेट पर बेचा गया है। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई है, तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है? बच्चे पॉइंट अपनी कॉपी में छाप देना, जब भी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होते हैं तो एक को x परसेंट के लाभ पर बेचा जाए, दूसरी को x परसेंट की हानि पर बेचा जाए, तो संपूर्ण सौदे पर हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत दोस्त ये होता है। तो x परसेंट लाभ पर, x परसेंट हानि पर, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए, तो आप कहेंगे 400 बटे 100, 4% की हानि हो जाएगी, 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक को x परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को x परसेंट की हानि पर बेचा जाता है, तो उस सौदे पर हमेशा हानि होती है और हानि का प्रतिशत दोस्त ये होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर में खरीदा था, खरीदा है 160 रुपए में और बेचा है 200 रुपए प्रति लीटर में, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर, यानी देना तो चाहिए था 1000 लीटर एमएल और दे कितना दिया, 800 एमएल दे दिया। तो लाभ का वास्तविक प्रतिशत बताना है। काटापिटी मचाओ बड़े लेवल पे, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, है ना। अब यहां से 4 से उड़ाओ, 4 पंजे 20 जीरो, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 16 के सामान को 25 का बेच दिया, फायदा कितने का, 9 रुपए का। फायदा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 4 बार, 225 बटे 4 आएगा, और 225 बटे 4 का मतलब होता है 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 56.25। ऑप्शन नंबर डी। इन क्वेश्चंस के तो आप लोग जो है वो मास्टर हो चुके होंगे, जब भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आएगा, जितना ज्यादा जितना जाना चाहिए वजन वो एसपी के अंदर लिखा जाएगा, जितना वो अपने पास से देता है वो सीपी के अंदर लिखा जाएगा, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। क्या कहना चाह रहा है, आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, दो कारें खरीदवा दो, पहली कार भी 100 रुपए की, दूसरी कार भी 100 रुपए की, वह एक कार को 12% के लाभ पर बेचता है तो 112 रुपए में बेचता होगा, और दूसरी कार को 8% की हानि पर तो उसे 92 रुपए का बेचता होगा, तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत बताना है मेरे दोस्त। टोटल सामान खरीदा कितने का है, 200 रुपए का, टोटल सामान बेचा कितने का है, 192 और ये कितना, 204 रुपए का टोटल सामान बेच दिया है मेरे दोस्त। फायदा कितने का, 4 रुपए का, और ये फायदा हुआ किस पर है, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं संपूर्ण सौदे पर 2% का लाभ हुआ होगा, संपूर्ण सौदे पर 2% का लाभ हुआ होगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपए में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होगी। 5% की हानि का मतलब है सामान को 95% पर बेचना। उसने बेचा कितने का है, 5,94,320 का बेचा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5,94,320 बटे 95 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए, यानी वो प्रॉफिट जो है वो 25% कमाना चाहता है, यानी वो 125% पर सामान बेचना चाहता है। भाई 1% की वैल्यू ये है तो 125% की कितनी हो जाएगी, जस्ट मैंने यहां गुणा कर दी। काटा पिटी मचाओ बड़े लेवल पे, तो काटा पिटी मचेगी बड़े लेवल पे, 5 से काटोगे 25 बार, 5 से काटोगे 19 बार। अब इसे डिवाइड कर लेना आप लोग, है ना, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। 19 तिया 57 होते हैं, ठीक है, 2 बचेगा, 19 से कम 19 होते हैं, 5 बचेंगे, 19 दूनी 38 होते हैं, 38 39 40 15 बचेंगे, 19 अट्ठे 152 होते हैं, ये हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर होगा 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यानी सीपी के, तो ये गुणा में है सीपी, इधर आके भाग में हो जाएगा, ये 40 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, ठीक है भाई। सीपी मतलब खरीदा गया, एसपी मतलब बेचा गया, 2 का सामान 3 में बेचा, फायदा 1 का, फायदा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, 50% का लाभ हो जाएगा। आगे बढ़े मेरे दोस्त,
तैयार हैं अभी आधे घंटे के लिए? बोलो, अगर तैयार हैं तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर आप लोग तैयार होते हैं आधे घंटे के लिए तो एक बार थम्स अप कर दो। भाई करना हमें ही है, पढ़ना तुम्हें है, पढ़ाना मुझे है, आज करो या कल करो मेरे दोस्त, करना हम लोगों को ही है। बताओ फटाफट, पढ़ लें क्या? पांच क्वेश्चन और कर दें, पांच क्वेश्चन और कर देते हैं, चलो बहुत तेजी से कर लेते हैं, है ना। खाना मैंने भी नहीं खाया, स्टूडियो से जस्ट आके क्लास ही ले रहा हूं। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, 1200 रुपए में कुर्सी खरीदता है और इतने में बेचता है। ओहो, देखना बेटा छुटकू सा सवाल पूछ लिया। 1200 का सामान 1440 में बेच दिया, 12 दहाई 120, 12 बारह 144, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 का सामान 6 का बेच दिया, 1 रुपए का लाभ। फायदा किस पर? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। तो यहां से जवाब हो जाएगा 20% का लाभ। तो इसने जो लाभ कमाया होगा वो 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है, 12 रुपए में सीपी कितना है? 12 रुपए है। कितनी मात्रा कितनी है? पेंसिल जो खरीद रहा है चलो भाई यहां देखो एक बार, सीपी कितना दिया हुआ है? 12 रुपए। और कितनी पेंसिल खरीदता है? 15 पेंसिल खरीदता है। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं वो कहता है 1.5 रुपए में एक पेंसिल बेचता है, 1.5 रुपए में एक पेंसिल बेचता है, तो ये सीपी है, ये एसपी है। तो 15 पेंसिल कितने रुपए में बेच देगा बेटा? 15 पेंसिल का मूल्य निकलवा लो, 15 225 22.5 रुपए की बेच देगा, बेचेगा या नहीं? अच्छा ये बताओ 15 पेंसिल जो है वो 12 रुपए की खरीदी, 15 पेंसिल 22.5 की बेच दी, तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 10.5 का। पूरी दुनिया देख रही है कि 12 रुपए की चीज 22.5 में बेच दी तो 10.5 रुपए कमा लिए। फायदा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6, 35 5 175 बटे 2 हो जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 87.5% का लाभ हो जाएगा। 87.5% का दोस्त लाभ हो जाएगा, ठीक है भैया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर बैच आप लोगों का आ रहा है, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सबको टारगेट करते हुए टाइम हम लोगों के पास है, इस बार 4 महीने हम लोगों के पास है। 4 महीने में एक बेहतरीन बैच जिस लेवल से खत्म किया जाता है उस लेवल से हम लोग उस बैच को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, हाँ क्वेश्चन ने क्या कहा है, मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपए प्रत्येक के खरीदे, उसने इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर 8% का लाभ और दूसरे पर 4% की हानि, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि। क्या ये 1500 रुपए वैल्यू लेनी जरूरी थी? बिल्कुल भी नहीं। दोनों को, प्रत्येक को 1500 में खरीदा है, मैंने मान लिया प्रत्येक को 100 रुपए में खरीदा है, ठीक है भाई। पहले को 8% के लाभ पर तो पहले को 108 का बेचेगा, दूसरे को 4% की हानि पर तो दूसरे को 96 का बेचेगा, ठीक है भाई। दोनों जो बैग थे वो 200 रुपए के खरीदे गए थे, दोनों जो बैग थे वो बेटा 204 रुपए के बेचे गए हैं, तो फायदा कितने का? 4 रुपए का।
किस पर? 200 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 2% का लाभ होगा, 2% का लाभ होगा। तो इस वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, इन छोटी छोटी वैल्यू से भी हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 रुपए में खरीदता है, अगर वह उस शेयर को 15,000 रुपए का बेचता है तो उसके द्वारा लाभ, बच्चा कुछ है ही नहीं, 12,000 का खरीद के 15,000 का बेच दिया तो 3,000 का लाभ, कितने पर? 12,000 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 25% का लाभ हो जाएगा। कितने का? तो आप कहेंगे जी 25% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बच्चे आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर आप इस क्वेश्चन को बता देंगे तो मैं समझूंगा कि आज की क्लास आप लोगों ने अच्छे से ली है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पे खरीदा है, क्या दोनों को 100-100 रुपए में खरीद लिया ये मान लो, एक को 15% के लाभ पर यानी 115 रुपए का, और दूसरी को 5% की हानि पर यानी 95 रुपए का बेच दिया है। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच मेरा अंतर 20 आया है, उसने दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर 80 रुपए दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो 400 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क में है आप लोगों के, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। फिर से एक बार उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारी बधाइयां, वास्तव में आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया है, आपने अपने सपनों को पूरा किया है, आपने बहुत सारे लोगों की बोलती बंद की होगी, बहुत सारे लोगों की जुबान पे लगाम लगाई है आप लोगों ने, तो आपको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे दोस्त जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल निराश नहीं होना है, आपका भी दिन आएगा, हो सकता है आपके लिए बहुत कुछ बेहतर लिखा हो, आप लोगों को लगे कि हाँ सही हुआ, अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता तो ये जॉब मुझे आज ना मिलती, ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में लिखा हो, ऐसा कुछ आप लोगों को मिलने वाला हो, तो मायूस नहीं होना है, अपनी कमियों को पहचानना है, जहां हम लोगों से गलती हुई उन कमियों पर हमें काम करना है, और मेरे दोस्त आगे आगे हमें सिलेक्शन लेना है और इससे बेहतर सिलेक्शन लेना है। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है दोस्त, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जुड़ जाइए, अपने दुगनी ताकत से जुड़ जाइए, जिस ताकत से आप लोगों ने आज तक मेहनत की थी उससे ज्यादा ताकत से दोस्त आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।